गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंसियारी। ये पहली बार ऐसा है कि हमें इतना ओपन और वाइड व्यू दिख रहा है, वरना अभी तक तो सारे बादल ही घिरे हुए थे। जल्दी सो गए थे क्योंकि आज जल्दी उठ के निकलना था। फाइनल रेडी होते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। सुबह से जब से उठे हैं तब से बाहर देख रहे हैं बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। तो रास्ते में फिर से हम लोग को भीगना है। निकलते हैं टाइम से और जहाँ आगे पहुँचना है वहाँ टाइम से पहुँचें, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से नीचे वापस घर की तरफ बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हो सकता है कि हम यहाँ से बिनसर या अल्मोड़ा और फिर उसके बाद सीधे वापस गाज़ियाबाद की तरफ। बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, सुबह से हुए ही जा रही है। सुबह से क्या मतलब, जब से हम लोग आए हैं तब से लगातार बारिश हो रही है। रेडी हो चुके हैं क्योंकि मौसम तो खुलने का नाम नहीं ले रहा। अभी सुबह तक बारिश हो रही थी, अभी फिर से पूरा घेर लिया है बादलों ने। तो अब बस सामान बांधते हैं और निकलते हैं यहाँ से जल्दी, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमें बारिश ना मिले। जब तक हम मुंसियारी में हैं, ऊपर हैं यहाँ पर, तो बारिश लगातार हो रही है। फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, गाड़ियाँ तैयार हैं, सारा सामान चढ़ा दिया गया है और अब निकलते हैं। थोड़ी सी बारिश अभी रुकी है, सुबह से बारिश लगातार हो रही थी, अभी बारिश रुकी है। अब हम लोग मुंसियारी से नीचे की तरफ रवानगी होते हुए। सी यू ऑन दी वे। जय बजरंग बली। तो ये था भैया मुंसियारी का सफ़र। अब हम लोग यहाँ से वापस की तरफ जाते हुए मिला मेन फिर से पूरा बादल घेर लिया है और भगवान थोड़ी देर के लिए बारिश रोकी हुई है, रोके रखो, हम लोग बस क्रॉस कर जाए। जी भर के बरसना भगवान, जी भर के बरसना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही बादल हटता है बहुत ही सुंदर नज़ारे मिलते हैं, और बादल हट ही नहीं जाए, वाह गजब क्या नज़ारा है, वाह। मेरे रुकना तो बनता है बाबा यहाँ पे एक बार, अभी तक कुछ व्यू मिला ही नहीं, आज मिला है जाके व्यू, फिर जाने की बारी आई, वाह क्या सुंदर लग रहा है। ऐसे छोटे छोटे झरने बहुत सारी जगहों पर दिखते हैं हमें इस रास्ते पर, बहुत ही शानदार, वाह ये देखिए। झरना बहता हुआ आ रहा है वहां से, वाह शुरुआत तो बारिश हुई थी पर अभी बारिश बंद हो गई है। जैसी बारिश बंद होती है बड़ा सुहाना सा मौसम है, और जो दृश्य है वाह क्या सीनरी है, जबरदस्त गजब का लैंडस्केप है, वाह। वाह क्या सुंदर नजारा, बादल ही बादल। चलो भैया गाजियाबाद चलो, समझे हो, यहाँ बहुत बरस ली है। फिर से सारे बादल आके बैठ गए यहाँ पर।
और लिटरली हम लोग बादलों के बीच में है और रास्ता इस बीच बड़ा खराब है भैया। अरे ओफो, देख रहे हो चोरा, इतना जैसे लग रहा है कि सर्दी आ गई। वाह, बादलों के बीच में बिल्कुल गाड़ी चलाते हुए, ये एक्सपीरियंस तो भैया इसी मौसम में मिलेगा। ओ भाई साहब, ये देखो पानी भरा है। रोड में नहीं देख रही, पानी भी भरा है, गजब हाल है। चलाते रहो, चलती जाएंगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रोड भी दिखेगी। कई बार पता नहीं चलता कि कितना गहरा है पानी की वजह से, पानी ऊपर ऐसे ऐसे बहता रहता है और नीचे पता नहीं चलता कितना गहरा जाएगा, कितना जाएगा। ऊपर से मत निकाल, काई हो सकती है, काई। ठंडे हो गए भैया, ठंडे हो गए एकदम। तो ये बिरथी फॉल पे रुके थे, नाश्ता किया, मैगी खाई, चाय पिया गया है, अब बिरथी फॉल के लिए वॉक कर रहे हैं। वो उधर से फॉल आ रहा है नीचे की तरफ जाता हुआ। तो नीचे मेन रोड से और ऊपर बिरथी फॉल, जहाँ पे जो स्पॉट है जहाँ पे अभी मैं हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है पर 10-15 मिनट का स्टीप वॉक है ऊपर की तरफ, और वहाँ आने के बाद ऐसा कुछ नज़ारा मिलता है, इसकी बौछारें यहाँ मेरे पास तक आ रही हैं हवा के साथ साथ में। वाह, ये ऐसे बहते हुए नीचे तक, क्या बाबे थक गया? और जी भैया राम राम, आप यहीं रहते हो, यही बिरथी फॉल है, ये आगे कहाँ जाता है और ऊपर वो उसके उधर। अच्छा, सही, बकरियाँ आपकी हैं क्या, बकरी आपकी है? वो वहाँ जाना है हमें नीचे जहाँ ब्रिज दिख रहा है। वाह, चलो भैया यहाँ मैगी वैगी खा लिया गया है, चलते हैं यहाँ से। मैगी बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। हल्की हल्की बौछारें पड़ रही हैं, बारिश ना हो ऐसे ही मौसम रहे तब तो ठीक है, बारिश होने लगती है तो थोड़ा सा तब भीगने लगता है, अजीब हो जाता है। पूरे बादल उड़ते उड़ते जा रहे हैं इस तरीके से सामने से, वाह नजारे तो शानदार है, बस थोड़ा बरसात ने गड़बड़ कर दिया। खैर बरसात ने गड़बड़ कुछ नहीं किया, मानसून टाइम है, ऐसा ही होता है। और ये देखो पथरीला चकरीला रास्ता, पूरा नाला बह रहा है यहाँ से, इसको क्रॉस करना है अभी, ये शायद आए थे तब नहीं था। ओह 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 ओह
वेट आ जाएगा ना। आ जाए किनारे 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 किनारे। वाह क्या रास्ता है बीच बीच में, यहाँ पे पहाड़ियाँ कच्ची है, वहां पे पहाड़ खिसक से गए। ये आएगा मज़ा। निकल आए भैया निकल आए, इतना तेज पानी बह रहा है। वाह बहुत ही ज्यादा स्लिपरी रास्ता है और आगे रास्ता बराबर जा रहा है। ये रास्ता यहाँ से टूट गया था, इस रास्ते को बना रहा है उस रास्ते को। तो ये पूरा लैंडस्लाइड का एरिया कवर कर दिया गया है, अब इसी पे जाएंगे हम लोग। ओफो गजब हाल, पत्थर गिर रहे ऊपर से यहाँ से। निकलो निकलो निकलो, पत्थर गिर रहे रे, पत्थर गिर रहे। चलो 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 चलो। ओह आ रहा है, वेद भी आ गया और गजब कीचड़ है पूरा। तो पत्थर था, पहाड़ खिसक गया था वो वाला, और फिर जेसीबी लगी रहती है, कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत जो है रास्ते को साफ किया जाता है। और ओ वाह निकल गए किसी तरीके से, भगवान बचाए। तो ये सारी गाड़ियाँ इधर से खड़ी हैं, अभी वो उधर से सारी एक एक करके गाड़ियाँ क्लियर हो जाएंगी, तब हम लोग इधर से ये लोग जाएंगे। ओ मजा ही आ गया। आज है सोमवार, सावन का पहला सोमवार, तो जिसमें सब लोग तैयार होके शिव जी की पूजा कर रहे हैं। नाचनी जनपद पिथौरागढ़, अभी हम लोग जा रहे हैं थल की तरफ, थल से जाएंगे हम लोग बेरी नाक की तरफ। तो एक बार मुंशियारी से निकले हैं हम लोग, बिरथी फॉल पे रुके थे, चाय पिया मैगी खाया है और उसके बाद से चलते चले आए हैं। अभी बेरी नाग लगभग 15 किलोमीटर और आगे है, अभी हम लोगों ने थल क्रॉस किया है। मैं यहाँ पे रुक करके वेद का वेट कर रहा हूँ, वेद थोड़ा पीछे ही रह गया, उसका वेट कर रहे हैं, वो एक बार आ जाता है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बारिश अभी रुकी है, जैसे हम लोगों ने थल से ऊपर थोड़ा सा आए हैं तो बारिश रुक गई है, और पर मौसम पूरा घिरा हुआ है बादलों से, जगह जगह पर बादल बिल्कुल सड़क पर आ जाते हैं और बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। सुबह से भीग रहे हैं लगातार, जैसे हम लोग मुंशियारी से निकले हैं लगातार भीग रहे हैं, बस अभी यहाँ पहुँचे हैं तो थोड़ा सा बारिश नहीं थी तो यहाँ पर रुक गए। यहाँ पर रुक के वेट करते हैं वेद का और फिर आगे बढ़ेंगे। बेरी नाग निकल गया था पर वहाँ पे रुके नहीं खाने के लिए, वहाँ से निकल करके थोड़ा आगे आ गए हैं और यहाँ पर अभी रुके हैं, खाएंगे यहाँ पे खाना। थाली ये है खाना, न्यूटी निकट दाल रोटी और चावल आएगा बाद में। लंच कर लिया गया है, अब निकलते हैं यहाँ से अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा 91 किलोमीटर, अल्मोड़ा के ही आसपास कहीं रुकेंगे। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, तेज बारिश होती है तब थोड़ा सा मुश्किल होता है गाड़ी चलाना, पर जब हल्का हल्का है तो ठीक है, मज़ा आता है। हल्की हल्की बूंदें मेरी छत पे कूदे, नन्नी नन्नी बूंदें मेरी छत पे कूदे। फिर से एक बार अच्छी खासी बारिश होने लगी है, जबरदस्त
पूरा भीग चुके हैं, थोड़ा बहुत सूखता है पैंट, फिर से भीग जाता है भैया, क्या बताएं। पर मज़ा आ रही है बारिश में भैया, मानसून में निकले तो बारिश तो होगी, उत्तराखंड की बारिश है ये, बहुत बढ़िया। चढ़ाई चढ़ाई है अल्मोड़ा से लगभग 7-8 किलोमीटर नीचे से पूरी चढ़ाई है, पहुँचाए हम लोग अल्मोड़ा। ये है पूरा अल्मोड़ा शहर जो इस तरीके से फैला हुआ है पहाड़ पर, ये पहुँचे आके हम लोग अल्मोड़ा, पहुँचाए हम लोग अल्मोड़ा और रूम ले लिया है। वेद, ऑल गुड? भीग गए हम लोग पूरी तरीके से, कितना भी रेनकोट पहनो कुछ भी पहनो, पर जब बारिश तगड़ी होती है, लगातार बारिश होती है, तो कुछ भी नहीं बचाता है। और फाइनली हम लोग भीगे हैं बहुत बुरी तरीके से। तो चलो खैर, ये अभी हम लोगों ने होटल ले लिया है, कमरा ठीक ठाक है, होटल शिखर में रूम ले लिया गया है। अभी चेंज करते हैं, गीले कपड़े हटाते हैं और सूखे कपड़े पहनते हैं फटाफट। तो ऐसा है कुछ कमरा, ट्विन बेड्स हैं, ये अच्छी बात है। बाहर आते ही कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, ओ तो फ्रेश हो लिया गया है, नहा धो के बैठे हैं अभी, और अब खाना ऑर्डर करेंगे। तो अभी हम लोग हैं अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जो कि लगभग 1600 मीटर पे है, और आज हम लोग मुनस्यारी जो कि 2200 मीटर पे कुछ था हाइट उसकी, तो 2200 मीटर से उतर करके हम लोग आ गए हैं अल्मोड़ा। अच्छे खासे बड़ा एरिया है, हर जगह से कनेक्टिविटी है अल्मोड़ा के लिए, तो आप कहीं से भी आ सकते हैं अल्मोड़ा। कल हम लोगों का फाइनल डे है, कल हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से दिल्ली की तरफ। तो फिर से हम लोग 1600 मीटर से लेकर के, और नैनीताल जो कि है लगभग 2000 मीटर पे, तो फिर से हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, और फिर नैनीताल के बाद हम सीधे नीचे और प्लेन्स की तरफ चलना शुरू कर देंगे। प्रॉब्ली कल शाम तक या कल रात तक हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे, काफ़ी बारिश में भीगे। होपफुली कल शायद बारिश ना मिले, हम चाहते हैं कि सूखे सूखे घर पहुँचे, बट अगर बारिश मिलती है तो भी अच्छी बात है। खैर कोई नहीं, जो भी होगा कल हमें वापस तो जाना ही। आज का दिन ख़त्म करते हैं, आराम किया जाए, और कल सुबह फिर हम लोग जल्दी निकलेंगे यहाँ से वापस घर की तरफ।